सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, नोकिया X6 के बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा यार, अभी रिसेंटली चाइना के अंदर कुछ चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जैसे कि नोकिया 5.1 के रेंडर्स आ चुके हैं हमारे सामने, तो क्या नोकिया X6 इंडिया तक आएगा। और लाइक ग्लोबली बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस फ़ोन के बारे में, बहुत लोगों को ये फ़ोन बहुत पसंद आ रहा है। तो आप लोगों को बेसिकली जानना था कि ये फ़ोन सच में इंडिया में आने वाला है, लाइक ग्लोबली रिलीज़ होने वाला है नहीं होने वाला। तो क्या यहाँ पे हमारे पास एक ट्रस्टेड वेबसाइट जो कि Gadget360 है, उन्होंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया उसी के बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो है नोकिया X6 ग्लोबल वेरियंट है, उसको गाइस सर्टिफिकेशन मिल गई है ताइवान के अंदर, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि ग्लोबल डेब्यू इस फ़ोन का बहुत जल्द होने वाला है। और साथ साथ गाइज आप लोगों को पता है इस फोन के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, साथ साथ बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर, 5.9 इंचेस की आपको इसके अंदर फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 18:9 की है। तो गाइज स्पेक्स वाइज इस फोन के अंदर कुछ भी मैं बोल नहीं सकता कि गलत है, सब कुछ ऑन द पॉइंट है। और उसके साथ साथ बात की जाए इस प्राइस की, तो गाइस प्राइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसका 15 से लेकर 16,000 रुपीज़ का हो सकता है इंडिया के अंदर, जो कि और एक बहुत बड़ा विन है। एंड ये हेड टू हेड टक्कर दे सकता है नोट 5 प्रो को, जो कि सबसे बड़ी बात है। देन गाइस उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, नोकिया X6 का जो ग्लोबल वर्जन है उसको सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं ताइवान के अंदर, जिससे हमारे सभी को पता चल सकता है कि फोन जो है ग्लोबल डेब्यू वाला आ सकता है बहुत जल्द ही। एंड गाइस बात करूंगा नोकिया X6 के ग्लोबल वेरिएंट के मॉडल नंबर की, तो गाइस यहाँ पे दे रखा है TA-1103, जो कि इस फोन का मॉडल नंबर हो सकता है। साथ ही इस फोन को NCC सर्टिफिकेशन मिल चुके ताइवान के अंदर, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली वो NCC सर्टिफिकेशन है। और गाइस आप लोगों को पता होगा एक फोन को रिलीज होने से पहले बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन है जिसको पास करना होता है, तो गाइस वहां पे इसको सर्टिफाइड कर दिया है और ये उस चीज में पास हो चुका है। तो हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल एश्योरिटी ये हो जाती है कि फोन जो है बहुत जल्द आ सकता है मार्केट के अंदर, जिससे कि सभी लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं सुन के इसको एक्साइट हो सकते हैं, बिकॉज ये फोन नोकिया की तरफ से है और नोकिया बहुत पुरानी कंपनी है। और साथ साथ नोकिया का जो रेपुटेशन थी मार्केट के अंदर, वो शायद इस फोन के साथ वापस आ सकती है और थोड़ा दम जो है वापस ला सकती है। वैसे आप लोग बताइए मेरे कॉमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोग क्या सोचते हैं, फोन सच में दमदार होगा इंडिया में अगर आया, या फिर ये फिर ढेर होकर रह जाएगा। आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन के अंदर। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी किसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, नमस्कार।